वैसे मैं एक आज जो बपिदा का सैड न्यूज़ है, बैठे बैठे मुझे एक ख्याल आ रहा था कि हे परमेश्वर, मेरे सलमान खान को कभी कुछ नहीं होना चाहिए। गॉड को मैं कहती हूँ कि हमारी तो इस दुनिया में इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी सलमान जी की है इस दुनिया में ज़रूरत। तो सलमान जी को कभी कुछ नहीं होना चाहिए। परमेश्वर, उसके पहले आप सलमान जी से पहले आप मुझे ले लेना। मैं अपने प्राण प्रभु आपके हाथ में देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे सलमान खान को, मेरे लेजेंड सलमान खान को कभी हाथ मत लगाना प्रभु, प्लीज़। उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको नहीं लगता? क्योंकि वो अनाथ बच्चों के लिए, अनाथ लोगों के लिए कितना काम करते, क्या आपको नहीं लगता? मेरे से ज़्यादा इस दुनिया में सलमान खान की ज़्यादा ज़रूरत है। मीडिया वालों बोलो ना यार। तो परमेश्वर को मैं यही बोलूँगी कि पहले आप मुझे ऊपर ले लेना, और मेरी बची कुची जो ज़िंदगी है वो मेरे सलमान जी को दे देना, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ की जान बचाई है। यू नो, आप अंडरस्टैंड, उन्होंने मेरी माँ की जान बचाई है, और मेरी मॉम जैसे, हमारे जैसे करोड़ों लोगों की उन्होंने जान बचाई है। तो उनकी ज़्यादा ज़रूरत है इस दुनिया में, ना कि हमारी। तो आई प्रे फॉर माई सलमान खान, आई लव सलमान जी। कुछ पूछना है क्या? नहीं नहीं, कौन रितेश जी को आप कितना? यार मैं सब चीज़ें बोलने की कोशिश कर रही हूँ मेरे दोस्त। अच्छा लग रहा था जोड़ी आप लोगों की, आपकी और रितेश की। देखो, इंसान जब उड़ने लगता है ना, आप समझ जाओ, तो पर लग जाते हैं। आप समझो, मैं एक मुहावरा बोल रही हूँ, जब वो आसमान में ज़्यादा उड़ने लगता है ना, उनको लगता है बस मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, जहाँ धरती जहाँ अंबर। फिर एक दिन ऐसा होता है ना, आप समझ जाओ,